सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जामुन का पेड़ आपका पूरा हो गया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। बताइए आज के समय में हम लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बाधित करती हैं? जैसे वन बाय एक एक बच्चा बोलेगा। और बेरोजगारी और पानी की समस्या और भ्रष्टाचार प्रदूषण की समस्या और ये सब समस्याएं कैसे समाप्त होंगी? कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। तो ऐसा ही एक पाठ है जिसमें संथाल जाति की कवयित्री निर्मला पुतुन संथाल जाति को कहती है कि हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण अपने पारंपरिक जो हमारी आस्थाएं हैं हमारी भाषा है सबको बचाना है। तो आज हम निर्मला पुतुन द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे, आओ मिलकर बचाएं। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? रजनी नहीं आएगा बेटा, रजनी पार्ट तो कटवा दिया था, आपने देखा नहीं था? काट दीजिए, वो नहीं आएगा। आओ मिलकर बचाएं। अब इस पार्ट में क्या है? जो कवयित्री है वो अपनी संथाल जाति को सावधान कर रही है कि हमें अपनी परंपराओं को अपनी भाषा को बचाना है। इस कविता में दोनों पक्ष यथार्थ चित्रण हुआ है। दोनों पक्षों का कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। हमारा प्राकृतिक परिवेश स्वस्थ रहे उन सब चीजों को बचाने के लिए कवयित्री क्या करती है? हमें सचेत करती है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। कौन सा समाज? आदिवासी, और वो भी संथाल जाति की है। तो जो इस कविता का मूल स्वर है, संथाली भाषा से यह पाठ हिंदी में अनुवादित हुआ है और इसमें वह अपनी जाति को बता रही है कि हमें अपनी परंपराओं को अपने रीति रिवाज को अपनी भाषा को अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और जितना भी नष्ट हो गया है कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत कुछ शेष है, उसे हमें बचाना है। क्लियर हो गया आपको? कविता का वाचन करेंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन भोलापन दिल का अखड़पन जुझारूपन भी, भीतर की आग धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार जंगल की ताजी हवा नदियों का की निर्मलता पहाड़ों का मौन गीतों की धुन मिट्टी का सौंदापन फसलों की लहलहाट। क्या कह रही है कवयित्री? कवयित्री आदि समाज
में जो संस्कृति है उस संस्कृति को क्या करना चाहती है, बचाना चाहती है। समाज में जहाँ एक ओर सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है, कठोर परिश्रम करने की क्षमता है, उन सभी तत्वों को वह बचाना चाहती है। कवयित्री कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे। संथाल जाति को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती है कि हमें अपनी बस्तियों को वनस्पति रहित होने से बचाना है। नंगी होना, यहाँ बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, वनस्पति हीन होने से बचाना, कम वस्त्र पहनना, या अमर्यादित होना, मर्यादाहीन होने से बचाना। कि जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा समाज, हमारा परिवेश वनस्पतियों से रहित होता जा रहा है, उसे हमें बचाना है। आज शहर की जो हवा, जलवायु, आबो हवा कहते हैं जलवायु को, या जो अब संस्कृति का प्रतीक बन रही है, उससे बचाना है। अब संस्कृति का मतलब कि आज गांवों में, आदिवासी स्थानों पर भी शहर की आबो हवा, जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, वहां की प्रवृत्तियों को लोग अपनाते जा रहे हैं जिसको वो पसंद नहीं करती। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डिया में। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपनी वनस्पतियों को बचाएं, अपने समाज को वनस्पति रहित होने से बचाएं, नहीं बचा पाए, तो हमारी पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर से दब जाएगी, अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, माटी कहते हैं मिट्टी को, संथाल परगना कहते हैं अंचल, कोई जो गांव है अंचल। कवित्री कहती है कि हमारे चेहरे पर जो भोलापन है, जो हमारे चेहरे पर हमारी पारंपरिक चमक है, पारंपरिक चमक मतलब जो हमारा स्वयं का तेज है, वह हमें संथाल जाति की जो मिट्टी का रंग है वो बदलना नहीं चाहिए, अर्थात हमें भाषा में झारखंडीपन, हमारी भाषा में जो झारखंड का पुट है वो भी रहना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से अपनी भाषा को भी नहीं बदलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कवयित्री का कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी पारंपरिक भाषा है, जो हमारी मिट्टी है, उसे हमें नहीं बदलना चाहिए। उस पर किसी शहर का या किसी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में, आज हमारी दिनचर्या, दिनचर्या माने दैनिक कार्य, लिख लीजिए आप पेंसिल से। ठंडी होती हुई मतलब धीमी पड़ गई है, उदासीन हो गई है। जीवन में गर्माहट, गर्माहट का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, गर्माहट का प्यार, ममता, जो हमारे अंदर उत्साह है नया वो, और हरापन ताजगी, भोलापन सीधापन होता है, अक्कड़पन दुखाई, कठोर होना, और जुझारूपन संघर्ष करने की प्रवृत्ति। ब्लैक बोर्ड पर लिखूं क्या शब्द लिखोगे ऐसे ही? आज कवित्री कह रही है कि हमारी जो दैनिक कार्य है वो धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं, जो पारंपरिक कार्य थे वो गति धीमी पड़ती जा रही है, उदासीन हो गई है दिनचर्या, और जीवन में जो प्यार थी, ममता थी, दया था, नया उमंग था, वो भी समाप्त होता जा रहा है। मन का हरापन, मन की जो ताजगी थी, प्रसन्नता थी मानो, वो भी हमें बचानी है। भोलापन दिल का खरपन, जो हमारी विशेषताएं हैं कि हम दिल के भोले हैं, लेकिन इतने भोले नहीं कोई हमारा दुरुपयोग कर सके, कोई हम पर हावी हो सके, तो उसमें हमें अपनी जो हमारी भाषा का जो अक्खड़पन है, रुखाई है, कठोरपन है, वो भी बचाना है, और जुझारूपन, हमारी जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, उसे भी बचाकर रखना है।
भीतर की आग, हमारे जीवन की जो मौलिकता है, वास्तविकता है, काम करने की जो आदत है उसे, और धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन। धनुष और तीर उनका एक हथियार है, उसी से ही और कुल्हाड़ी की धार आदिवासी लोगों के जीवन का यही आधार है, क्योंकि वो तो शिकार करते हैं या पेड़ काट कर अपना गुजर बसर करते हैं। तो कुल्हाड़ी भी चाहिए, तो तुम्हें कुल्हाड़ी की धार ऐसी की ऐसी बनाए रखना है, अर्थात अपने पारंपरिक कार्य को भी करना है। जंगल की ताजी हवा, स्वस्थ रहने के लिए ताजी हवा की आवश्यकता है, और नदियों की निर्मलता, पवित्रता के रूप में नदी है तो हमें गंदगी ना करें इसलिए, जिससे हमारी नदी पवित्र रहे, ऐसा प्रदूषण ना करें जिससे हवा खराब हो सके। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों में जो एकांत है वो भी होना चाहिए, और गीतों की धुन, पारंपरिक लोक गीतों की धुन जीवित रहनी चाहिए, जो हमारे देश हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी का सौंदापन, मिट्टी की जो महक है, जो हमारा विस्थापन के द्वारा है, वो सब क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रही हैं, वो सब परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। फसलों की लहलहाट, फसल भी हमारी जो की त्यों होनी चाहिए, अर्थात कवित्री बार बार संथाल जाति को आमंत्रित करती है कि आओ हम सब अपने सभी पारंपरिक कार्यों को बचाएं, हमें शहर की आबो हवा हम पर ना पड़ पाए, ऐसा प्रयास वो करती है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। क्या कहती है कवित्री? आज विकास के कारण जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वर्णन कर रही है। नाचने के लिए खुला आंगन, आबादी और विकास के कारण हमारे घर कैसे हो गए हैं, वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और हमें कैसा चाहिए, खुले आंगन चाहिए। गाने के लिए गीत, जो हम अपने गीतों का अस्तित्व खोते जा रहे हैं, फिल्मी गानों का असर होता जा रहा है, उसकी ओर संकेत है कवियत्री का कि हमें अपने पारंपरिक गीतों को नहीं भूलना है। हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट, हमें तनाव दूर करने के लिए हंसी भी बहुत जरूरी है, और रोने के लिए अपने जीवन के लिए यदि हमें कुछ एकांत चाहिए तो वो एकांत भी हमें मिलना चाहिए। क्या होता जा रहा है, हम सब जाते हैं वहां अव्यवस्था फैलाते हैं, उसकी ओर संकेत है कवियत्री का। बच्चों के लिए मैदान खेलने के लिए, पशुओं को हरी हरी घास, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बूढ़ों लोगों को शांति के लिए, आराम के लिए एकांत चाहिए जो पहाड़ों पर मिलता है, तो वो सब हमारा बरकरार रहे, ऐसा कवियत्री का विचार है, और वह हम सबको प्रेरित कर रही है, संथाल जाति को प्रेरित कर रही है कि वह अपनी परंपराएं न भूले। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, कवित्री मानती है कि आज का समय जो है वो अविश्वास पूर्ण है, इसे विश्वास करना नहीं चाहिए क्योंकि माहौल ही ऐसा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा विश्वास करना होगा, थोड़ी हमें उम्मीद करनी होगी, भविष्य की सुंदर कल्पनाओं को हमें बचाना होगा, थोड़े से सपने हमें अपनी आशाओं को जगाना होगा, अपने सपने नहीं समझेंगे तो हम काम कैसे करेंगे हैं? आओ मिलकर बचाएं, हम सब मिलकर, हम सब का कर्तव्य है कि हम सब इसको बचाएं, और इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। आप यह ना सोचे कि हमारा बहुत कुछ नष्ट हो गया है, अब वहां पर शहर की आबो हवा लग गई है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी प्रकृति में बहुत कुछ है बचाने के लिए, हमें मिलकर वह प्रयास करना है कि जो कुछ भी बचा है अभी प्रकृति में, जो कुछ भी है उसे हम सब मिलकर
बचाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि संथाल जाति की उन्नति और विकास में कोई भी बाधा ना आए। पढ़ लीजिए इसको, फिर इसके क्वेश्चन बता दूंगी, जहां से समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ लेंगे। सबको समझ में आ गया? पाठ समझ में आया है नहीं? Yes, yes, ma'am. हाँ बोलो बोलो, वहीं से बोल दो। भीतर क्या मतलब? हमारे अंदर जो काम करने की उमंग होती है, जो शक्ति होती है, जीवन की मौलिकता, इसका संकेत है जीवन की मौलिकता। धनुष की डोरी तीर का नुकीना पर, इसका मतलब है कि तीर और धनुष से वो काम करते हैं, कुल्हाड़ी से काम करते हैं, जो हमारी दिनचर्या में शामिल है, वो जो हमारे आदिवासी जीवन का जो आधार है उसे नहीं भूलना है, वे काम करने हैं जो परंपरा से होते चले आ रहे हैं। और तीर का नुकीलापन, तीर कैसा चाहिए? नुकीला होना चाहिए, मतलब जिसे चौंच हो, जिसमें तेज धार हो, तभी तो मतलब वो शिकार करते हैं ना धनुष तीर से, आदिवासी लोग, उनकी परंपरा है। और कुल्हाड़ी से वो क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, तो वो भी हमारी लहलाना, मतलब खूब खेती होना, फसल मतलब खूब भरपूर हो रही है, जिसमें पेड़ लहला रहे हैं, मतलब मस्ती से झूम रहे हैं। मानो हमने कोई चीज बोई, गेहूं बोया, जौ बोए या धान बोया, तो उसकी फसल खूब हो जाती है, तो उसको देखकर खुश होना। और बताइए, और किसी कुछ पूछना है? रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यदि हमें कोई परेशानी होती है, हम अपनी बात किसी से नहीं कह सकते तो एकांत में कहते हैं, तो हमें एकांत भी चाहिए। अर्थात जो वहां का पहाड़ है, वो पहाड़ वैसे के वैसे होने चाहिए, वहां का जो एकांत है, मतलब जहां जाकर हम अपने मन की बात भी कह सकते हैं। यदि दुखी है, कभी कोई आदमी दुखी होता है तो सबके सामने नहीं रोता, तो वो भी चाहिए हमें, तो वो भी हमें बदलना नहीं है। और बताइए, हाँ जी बोलिए, कौन सा बता दो, कहाँ से? शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी बता दूं? देखो इसमें मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जीवन के दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है,